हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप दोस्तों आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज मॉर्निंग में व्लॉग शूट किया जा रहा है और इधर मेरी वाइफ चाय बनाने वाली है, दूध गर्म हो रहा है दोस्तों। और अभी मुझे जाना है दोस्तों मंदिर, और अभी पानी गर्म हो रहा है। इधर देखो दोस्तों, हीटर लगाया गया है और पानी गर्म होता है। फिर नाकड़ जाने वाला हूँ मैं मंदिर, और फिर आकर पीऊँगा दोस्तों चाय। अभी नहीं पीऊँगा, और मेरी वाइफ बना रही है चाय। गुड मॉर्निंग बोलो दोस्तों को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इतनी धीरे आवाज ही नहीं पहुँचेगी, सुबह की आवाज ऐसी निकलती। बोलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों अभी है ना, बाबू की तबीयत खराब हो गई है और पसलियाँ चल रही है, तो बाबू को ले आना पड़ेगा दोस्तों अस्पताल, डॉक्टर के पास। और बाबू अभी सोया हुआ है दोस्तों। बाबू अभी, बाबू को देखते हैं अपन, देखो कैसा सोया है बाबू। यहाँ पर सोया है दोस्तों बाबू, देखो बाबू मेरा सोया हुआ है। बाबू कैसी तबीयत ठीक है बाबू की? है पसली चल रही थी ना बेटा बाबू की, है क्या बाबू? तो दोस्तों अभी 8 बजने वाला है और मुझे नहाना है। और बाबू तो अभी है ना मोबाइल को भी भूल गया है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। तो अभी बाबू तो मोबाइल भी नहीं देख रहा है, और खांसी भी बहुत चल रही है बाबू को। तो दोस्तों वो लोग कंटिन्यू करते हैं, और मंदिर से मैं होकर आता हूँ दोस्तों। और हो सका तो मंदिर का वीडियो शूट करूँगा या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ मंदिर का वीडियो तो आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा, तो इसलिए बार बार मैं वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, आता हूँ मैं मंदिर से और फिर चाय पीऊँगा दोस्तों। अभी चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि झूठे मुँह मंदिर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो हमारी पूजा सफल नहीं होती है। तो दोस्तों मिलते हैं आगे। सामने ये पेड़ दिख रहा है पीपल का, ये है लक्ष्मी नारायण दोस्तों। ऐसे पेड़ देखने को बहुत कम मिलते हैं, और यहाँ पर दोनों पेड़ साथ में हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण कहा जाता है दोस्तों इस पेड़ को। और ये पेड़ है दोस्तों पीपल का, देखो दोस्तों दोनों पेड़ साथ में हैं, तो इसको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण, इसकी पूजा की जाती है दोस्तों पीपल के पेड़ की। और इधर बहुत सारे पेड़ लगे हुए दोस्तों, काफ़ी आनंद मिलता है मंदिर में आकर। और इधर की तो बात ही अलग है दोस्तों, देखो कितने बढ़िया पेड़ लगे हैं, आम का पेड़ है दोस्तों। और इधर भी, और इधर है मंदिर, भोलेनाथ मंदिर, शिवलिंग के आकार का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं घर, पूजा पाठ सब कर लिए हैं भोलेनाथ जी की,
और पीपल के पेड़ पे भी जल चढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं घर, और फिर जाना है मुझे काम पर, और चलते हैं दोस्तों घर। क्या कर रहा बेटा बाबू? मैगी। दोस्तों बाबू की मैगी बनेगी। और दोस्तों अभी मैं मंदिर से आया और देखा कि बाबू ने मैगी लेकर आया है, और बाबू मैगी बनाएगा। कितनी बढ़िया दिख रही है दोस्तों, देखो मैगी बाबू की, और बाबू के लिए बनेगी मैगी। बहुत टेस्टी लगती है यार मैगी, है ना बेटा बाबू? अच्छी लगती, कच्ची नहीं खाना बेटा, ज़्यादा पेट दुखता फिर, है ना। अभी जीजी बना रही है दोस्तों, बाबू की दीदी बना रही है मैगी बाबू के लिए। मुंह में बाल आ जाता है? हाँ। कैसे आ जाता बाल? हैं, देख के खाना चाहिए बेटा, बाल नहीं आता मैगी में, कहाँ से आ जाएगा बाल? तो कैसे बनाएंगे मैगी? पानी डाल के। अरे बेटा भूज गई गैस, देखना चाहिए ना। टंकी बंद तो नहीं है? बंद है, है? है। तो फिर पहले देखना चाहिए ना बंद है कि चालू है। चालू करो, क्या है? अब चालू हो जाएगी। क्या हो गया? वापस से बंद कर, बंद कर गैस, देख ले पहले अच्छे से। तो फिर क्यों नहीं चल रहा है? लाइटर खराब तो नहीं हो गया? खराब है, निकल तो रही इसमें चिंगारी। चल अब चालू कर, कर कर ये अब हुआ ना चालू। चूल्हा खराब हो रहा है, नया लेना पड़ेगा बेटा, कड़क हो गए स्विच। अच्छा वाला चूल्हा ले लेंगे बेटा अपन, जिसमें चार आते ना, चार चूल्हे आते हैं, जल्दी जल्दी खाना भी बन जाएगा। इतने नहीं, ये तो दो है, दो तो है अपने पास, चार लेंगे अब अपन, है ना। और मम्मी क्या कर रही? मम्मी तो अभी नहा के निकली। हाँ इतने आएंगे ना, चार आएंगे, चार। कितने होते चार? कितने होते? एक। तो बाबू के लिए बनेगी दोस्तों मैगी, डालो ना बेटा इसमें कि गर्म होगा। जब हो गया गर्म, ये डाला जा रहा है मैगी को, बाबू के लिए मैगी बन रही है, और तोड़ के डाला जा रहा है। हाँ तो बाबू खाएगा अब मैगी, और मेरा खाना बन जाता है, फिर खाना खा कर जाता हूँ दोस्तों काम पर। इधर बन रही है गोभी आलू, है ना। हाँ घुमा के जाऊँगा ना बेटा, गोभी आलू और बटले। चलो बनाओ। तो दोस्तों गोभी बटले आलू बनेंगे इधर, और खा कर जाऊँगा मैं दोस्तों काम पर। और इधर मेरी फूलन देवी नहा चुकी है, और अब बनाएगी खाना। और चाय तो मैंने पिए ही, चाय दो ना, चाय चाय दो। अभी मंदिर से आया, मैंने चाय कहाँ पिया? हाँ मैं भूल जाता हूँ, मेरे को कोई चाय भी नहीं देता यार बेटा। दादा को चाय दिए कि पी लिए दादा ने चाय? गड़िया, ओ गड़िया क्यों रो रहा है यार, क्यों रो रहा गड़िया? शिव कन्या, ए गड़िया आंसू तो आ ही नहीं रहे गड़िया को, है? ए गड़िया कौन चला गया? मम्मी चली गई कि पापा चले गए? है दाजी कहाँ गए? दाजी क्यों गड़िया? मम्मी मम्मी चाहिए, पापा के साथ गई मम्मी खेत में। ओए गड़िया इधर तो कर यार, मुँह तो इधर कर यार, आंसू आ रहे कि नहीं बता तो। देख आंसू तो एक भी नहीं आ रहे, क्या यार इतना स्मार्ट लौंडा होता है। ओए गड़िया बहुत दिख रहा है अंगारे मोबाइल में तो। मजा आ गया।
चने तो नहीं दिख रहे पर अंगारे अंगारे दिख रहे का है देना तो चने अपने जो अपन गैस पे सेकते ना उसका टेस्ट ही नहीं है पर बहुत मीठे यार देखना अंगारे मत कर लेना अरे नहीं बुझा हुआ कोयला अरे चने ही उठाया था लकड़ी आ गया अरे गणेश बताता नहीं आज उंगली जल गया गड़िया ओ गड़िया गड़िया का तो मुंह काला हो गया देखना अंगारे नहीं चेट गया उसको फपुला पड़ जाएगा पैर में जराक में गणेश अरे यहाँ बिठा दो ना यहाँ बैठा गणेश यहाँ है उधर हवा चल रही है बच्चे वो सुबह खाने आ जाना है इसमें वीडियो में क्या दिखता है यार अंगारी अंगार चमक रही है भर लिए क्या चने बोरी में बाबू के लिए चने आ गए यार क्या बेटा है तो दोस्तों बाबू के लिए चने लेकर आए हैं और अभी आपने देखा था हम चने सेक कर भी खा रहे थे बाबू हमने सेक के बहुत खाए वहाँ पे चने वहाँ पे बहुत सेक के खाए हमने खेत में हाँ खेत में बहुत सारे थे हाँ हमने गणेश के साथ में बहुत खाए चने सेक के ए आवाज कम करो इनको नहीं दिखते दिखते हैं ना क्या बहुत छोटे चने हैं पिंदु पिंदु है छोटे छोटे से चने कितने छोटे हैं यार ये चने बन गया खाना कटर की सब्जी ओहो देखो दोस्तों कटर की सब्जी इसको कटर ही बोलते हैं क्या तो खाना वाना खाते हैं दोस्तों और अभी आपने देखा दोस्तों हमने चने खेत में सेक के खाए और बाबू के लिए भी लेके आया हूँ चने बाबू भी खा रहा है और चुटकी भी खा रही है और अभी सेकेंगे आप काय पे सेकेंगे अपन तोड़ तोड़ के तवे पे सेकना पड़ेगा तो तवे पर ही सेकना पड़ेगा छे पापा मैं जा भाई के बनाओ जा मरना मम्मी मैं तो उंगली वाले पान चाहिए क्या चाहिए उंगली वाले पान हाँ ले आएंगे हाँ सेकेंगे सेकेंगे उंगली वाले पान हाँ सेकेंगे तो दोस्तों ये खाना वाना खाते हैं और अभी मैं आया दोस्तों अब मैं मुंह धोता हूँ और तो दोस्तों आज का व्लॉग यही एंड करते हैं और दोस्तों मुझे ये व्लॉग अभी एडिट करना पड़ेगा और अभी मैं अपलोड करूँगा दोस्तों 9-10 बजे के आसपास और दोस्तों कोई टाइम टेबल नहीं है मेरे व्लॉग का कब अपलोड हो जाए और जैसा समय मिलता है वैसा मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो आइए दोस्तों आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा तो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना ओके दोस्तों मिलते हैं और एक नए व्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट बाबू गुड नाइट दोस्तों इधर खा रही है प्रांसी कटर की सब्जी क्या बेटा गुड नाइट।